इस वक्त कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। इस बीच खुशी की लहर यह भी है कि तमाम देशों के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वैक्सीन बना रही है, लेकिन टीकाकरण का काम सरल नहीं बल्कि काफी चुनौतीपूर्ण होगा। अब सवाल यह है कि क्या वैक्सीन लगने के बाद कोरोना वायरस का अंत हो जाएगा? वुहान वायरस को खत्म करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन की आवश्यकता है? इस पर विशेषज्ञों की राय है कि वैक्सीन से महामारी का अंत नहीं हो सकता है। जहां तक कोरोना वायरस का सवाल है तो इससे छुटकारा मिलना इतना आसान नहीं होगा। बता दें कि कोरोना से पहले भी दुनिया के लोग कई तरह की महामारियों की चपेट में आए हैं। इस मामले को लेकर वियोन की पलकी शर्मा उपाध्याय कोविड-19 टीके महामारी पर उनके प्रभाव और अन्य इफेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताती है। उनके मुताबिक हम कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और इस सप्ताह की सुर्खियों ने हमें राहत की खबरें दी है, क्योंकि हालिया खबरों के अनुसार 3 कोविड वैक्सीन पहले से ही अप्रूव्ड हो चुकी थी और कम से कम 2 वैक्सीन अप्रूवल की प्रतीक्षा में है। इसके अलावा ऐसी कई वैक्सीन हैं जिनके तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि जल्द ही वैक्सीन आएगी और महामारी भागेगी। वैक्सीन रहेगी लेकिन कोरोना नहीं भागेगा। लेकिन इसके साथ ही पलकी ने सवाल किया कि क्या ये वैक्सीन वुहान वायरस की महामारी का अंत कर सकती है? हालांकि फैक्ट यह है कि महामारी वैक्सीन से जल्द ही दूर नहीं होगी। भले ही वैक्सीन हमारे पास हो लेकिन महामारी फिर भी रहेगी। अगर हम अतीत में देखें तो वुहान वायरस से कोई पहली महामारी नहीं है। इससे पहले भी इतिहास में कई ऐसे वायरस देखे गए हैं जिनका अंत वैक्सीन आने के बाद भी हुआ था, जैसे 1817 से 1824 के बीच प्लेग महामारी ने दुनिया के लोगों को जकड़ रखा था। यह बीमारी फ्रांस के मार्सिले शहर से फैली थी, इसलिए इसे प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। तीसरी प्लेग महामारी 1855 में चीन में शुरू हुई और 1960 तक सक्रिय रही थी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।